लगायो थू मीरा, भगती सू गिरधर लाल रिजायो थू मीरा। वाह, लोग कहते हैं कि मरने के बाद परमात्मा मिलते हैं, लेकिन मीरा ने क्या किया होगा साहब? कि मरिया पाछे सुरग मिले में सुनियो मीरा, मरिया पाछे सुरग मिले में सुनियो मीरा, पण थू जीवतड़ी श्याम समागिरी मीरा, पण थू जीवतड़ी श्याम समागिरी मीरा, भगती सू गिरधर लाल रिजायो थू मीरा। चार लाइनें भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए, अभी होली का त्योहार निकला है, चार लाइनें आपको सौंपता हूं, ब्रज में लेकर चलता हूं, फिर मेरे गीत सौंपता हूं आपको। एक नायिका कहती है कि यहां की होली मुझे अच्छी नहीं लगती, अगर चलना ही है तो ब्रज में जहां कन्हैया बसते हैं वहां मुझको ले चलो, मैं वहां होली खेलना चाहती हूं। चार लाइनें सौंपता हूं, स्वागत संत श्री के चरणों में। कि ब्रज में जाकर होरी खेलूंगी मैं सांवरिया के संग, वाह, ओ ब्रज में जाकर होरी खेलूंगी मैं सांवरिया के संग, सांवरिया के संग मैं तोरी सांवरिया के संग, ओ ब्रज में जाकर होरी खेलूंगी मैं सांवरिया के संग, मोर मुकुट जाके सिर सोहे मोहे कोटियन, अधर धरी उमिठी बांसुरी आरी श्याम सलोनो रंग, ब्रज में जाकर होरी खेलूं गी में सांवरिया के संग। एक गीत आपको सौंपता हूं, पहला गीत जैसा कि दीपक जी कह रहे थे कि बेटी वाला गीत, हमारे दूधाराम जी भी कह रहे थे बेटी वाला गीत जरूर सुना ना, बेटियां कम संख्या में विराजमान है, लेकिन फिर भी एक दृश्य आपको सौंपता हूं। एक बेटी जब ससुराल के लिए रवाना होती है, किसी के घर में शादी हो, अगर हम वहां खड़े हों, आप ये कल्पना करें कि कोई बिटिया ससुराल जा रही है, आप वहां खड़े हैं, आपके मन में क्या होता है, मुझे क्या लगता है? सीधे सीधे आपको गीत सौंपता हूं, स्वागत। आपकी तालियां जितनी गंगोर पहले थी उतनी रहे। कि लडवण घरे आंगणियों, अरे बाबो सारो छोड़, अरे पीहर सूरी मुकड़ो मोड़, सासरिये चाली रे लडवण लाडली, ओ लडवण घरे आंगणियों, बाबो सारो छोड़ पीहर सू मुकड़ो मोड़, ओ सासरिये चाली रे लडवण लाडली, जन्म लियो अर छम छम रमती बाबो सारे आंगन, चंचल हिरणी झूपग धरती लगती थू बड़ भागन, निस दिन करती दीवड़ो तुलसा जी ने सींच, रमती सहेलिया बीच उसासरिये चाली रे लडवण लाडली, बालपणो जाने कद बीत्यो बाबुल करी सगाई, जा परदेस बटाऊ हेरियो बेटी ने परणाई, मायड़ रोवतड़ी कर दी नाराता नेण, हिचक्यासू बिंद गया बेण, उसासरिये चाली रे लडवण लाडली। मुझे पता है इस गीत में तालियां नहीं बजती है, कहीं भी जब मैं गाता हूं इस गीत में तालियां आ ही नहीं सकती है, क्योंकि लोग इसको डूब के सुनते हैं, बेटी से कोई अनमोल रतन हो नहीं सकता। बाबुल राख बजर की छाती दे दी आज विदाई, पण जाने आज हिमालो पिघलो गंगा जमुना छाई, रोवे रोवे थारो जामण जायो बीर, अब कौन बंधावे धीर, उ
सासरिए चाली रे लडवण लाडली, छिन भर दूर कदी ना राखी मायड़ काल जियासु, पण आज सीख सासरिए देता नीणा ढलिया आसु। चाली मायड़ रे अरे काल जियारी कोर, भीगी चूनड़ की कोर, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। उसकी सहेलियां खड़ी है साहब, संग सहेलियां रुदन करे जी, बिछुड़ गई अब जोड़ी, जाने कौन से तीज तिवारा मिल स्या बेगी मोड़ी, छूट्यो छूट्यो मारे साथनी आरो साथ, पीव जीरो थाम्यो हाथ, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। बेटी कहीं है साहब घर में, नेम भरत नेम भरत बेसा का काती, ग्यारस मावस पूजा, संध्या मंगल भजन आरत्या, कामन कोई दूजा। फल कहीं मिलो, चाली सर जीरे संग माही गण गोर, बांधी प्रीतम सुंडोर, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। जी तरह मंदिर में मूर्ति बढ़िया लागिया करे, वसानी अगर किसी घर में बेटी है तो आप बेटी भी उसानी लागिया करे साहब, कि घर देवल सो रोज जना तो थू देवल की मूरत, माए बाप सजड़ा दुख भूलिया देख्या थारी सूरत। और क्या हुआ कि लडवण धरिया ये पडले वाला बेस, चाली पीव जीरे देस, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। वो पिता कहता है कि आज तक मैं बहुत धनवान आदमी था, दुनिया में सबसे अगर अमीर आदमी था तो मैं था, क्योंकि मेरी बेटी घर में थी, लेकिन आज मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया हूं। आज तलक थारा सू बेटी बाबुल छो धनवान, पण आज गरीब हुयोरी बेटी था बिन साची जान। क्यों कि अब कौन समझेला अरे मायड़ रे मन री पीड़, बाबुल में पड़ती भीड़, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। जी गाय भैंस की वह सेवा करे करती जी, नीमड़ी का पेड़ के नीचे जी, पीपली का पेड़ के नीचे वह घूमिया करती, आज वाकई कई दशा है कि गाय बाछरू रोवे सारा कर कर सामी कान, गाय बाछरू रोवे सारा कर कर सामी कान, आंगन चोक नीम पीपलरा झर झर झरिया पान। क्या कहते हैं कि बेनड़ उमर ताई जो स्या थारी बाट, सासरिए होवे ठाट, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। ओ लडवण घर आंगणियो बाबो सारो छोड़, पीहर सू मुखड़ो मोड़, ओ सासरिए चाली रे लडवण लाडली। बेल क्या करा बेलड़ी ने, शादी का अंतरिम दृश्य में माओ जद्या बेलड़ी की न्यान लिपट और बेटी जद्या ससुराल जावे तो घर को दृश्य किसान हो जाओ। देखो आप कि बेल जिया मायड़ सू लिपटी बाबुल धीर बंधावे, बेल जिया कि बेल जिया मायड़ सू लिपटी बाबुल धीर बंधावे, पण फिरिया अबूठो रोवे बीरो आंसूड़ा ढलकावे, गुड़ियो काजलियो लडवण रो आंसू माई,
मर गियो सूझ नाई सासरिये चाली रे लडवण लाडली की बागारी कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार कवि सोहन कहे सुन लाडे सर मत ना दे ये विसार रोवे रोवे थारे पीहर रो परिवार ये सगड़ा ही नर नार सासरिये चाली रे लडवण लाडली। उन बेटियों के लिए ताली बजा दीजिए। गीत खत्म होता है। एक गीत ये जो पगड़ी है महाराणा प्रताप के लिए मैंने गीत लिखा है। ये पगड़ी कभी अकबर के दरबार में झुकी नहीं। मेवाड़ी जो पगड़ी थी मारवाड़ की ये पगड़ी है कभी किसी के सामने झुकी नहीं। जो पगड़ी हम धारण करते हैं एक गर्व का प्रतीक है। आप भी पगड़ी धारण किए हुए हैं। एक गीत लिखा मैंने पहली बार जिसको कुंभलगढ़ में पढ़ा था आदरणीय माधव दादा के निर्देशन में। उस गीत को आपको सौंपता हूं। पाथड़ राखी जी अरे मेवाड़ धरा की आन राखी रजपूती शान अरे केसरिया पगड़ी नाही झुकी ओ पाथड़ राखी रे मेवाड़ धरा की आन राखी रजपूती शान अरे केसरिया पगड़ी नाही झुकी छोड़ दिया मेवाड़ धराहित राजमहल का ठाट अरे आडावल के मंगरा महाराणा जद बैठा पाट अकबर डरियो रे अरे राणा सूरे आपो आप जाने सिर हाणे सांप अरे निजरा राणा पे जाए टिकी धन्य धन्य मेवाड़ी राणा एक लिंग रा दीवान आडावल में फिरा भटकता रखियो धरा को मान रानी राज कुंवर भी महाराणा रे संग चढ़ियो जद माड़ धरा को रंग अरे संकट री बदली नाही रुकी ओ पाथड़ राखी रे मेवाड़ धरा की आन राखी मायड़ी शान ओ केसरिया पगड़ी नाही झुकी हिंदुआ सूरज चेतक माथे भालो हाता माय चेतक रो असवार जूझियो हल्दी घाटी माय चेतक मचलियो रे रण माही बण तूफान रख स्वामी भक्ति रो मान अरे बजती गुड़नाला नाही रुकी रे पाथड़ राखी जी अरे मेवाड़ धरा की आन ओ राखी रजपूती शान अरे केसरिया पगड़ी नाही झुकी बणगी प्रलय मुगल सेना पर मेवाड़ी तलवार कुणरी खिमता झेल सके जो महाराणा का वार चमकी रण माही उन दिन के सरिया पाग रण बाका रो रण फाग रग तारी होल्या नाही रुकी रे पाथड़ राखी जी। एक मोड़ ऐसा भी आया साहब चेतक गायल था महाराणा प्रताप गायल थे लेकिन एक किरदार सादड़ी का झाला मन्ना बीच में आया और उसने कहा कि महाराणा ये मुकुट मुझे दे दो। इस मुकुट को धारण करने की इच्छा हुई कि घायल चेतक घायल राणा संकट में मेवाड़ तो झाला मन्ना घने मानसू धर्यो मुकुट मेवाड़ दुश्मन झपट्यो रे मन्ना पे राणो जान लड़ियो मन्ना कर पाण सांसा जद ताई नाही रुकी रे पाथड़ राखी जी अरे मेवाड़ धरा की आन। लोग भले ही चेतक को पशु कहते हो लोग भले ही चेतक को चेतक कहते हो लेकिन मैं मानता हूं साहब कि चेतक महाराणा प्रताप का सबसे अच्छा मित्र था। जब वो एड़ लगाते थे तो बिजली की फुर्ती से चेतक को किधर झाड़ा होता था वो चेतक खुद समझ जाता था साहब।
कि तीन पगा नाला नेर कूद्यो चेतक पूरे पान, तीन पगा नाला नेर कूद्यो चेतक पूरे पान, प्राण बचाया महाराणा का खुद तजदी ना प्राण। उमड़ियो शक्ति सिंह में, उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सो हेत पकड़िया पगराणा रा चेत, असुअन की धारा नाही रुकी रे पाथल राखी। और कोई मुल्क होता मुकुटमणि राज साहब तो भाई और भाई ऐसी परिस्थिति में मिले तो लड़ कट के मर जाते, खत्म हो जाते, लेकिन महाराणा ने कहा कोई बात नहीं, तूने सुबह का भुला हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो अब भी संभल गया है तो कोई बात नहीं। महाराणा प्रताप ने उसको सीने से लगाया। हिए लगायो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी साख भरे जी भाई मिलन की आप। उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सो प्रेम, नेह निभावण नेम, अरे तलवारा रे जी झुकी रे झुकी रे पाथल राखी जी। लोग कहते हैं कि ये महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज है या हिंदुआ सूरज है, मैंने कहा ये दोनों ही है। हिंदुआ सूरज भी है क्योंकि वो हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप है। अगर वो हिंदुआ सूरज भी कहें तो उस समय मेवाड़ का शासन ठेठ कहां तक, अभी जो पाकिस्तान है वहां तक था। इसलिए मैंने गीत की पंक्तियां लिखी है कि हिंदुआ सूरज महाराणा ने नमन करे संसार, अणधुली रो तिलक लगावे सब जगरा नरनार, सुमिरन करता ही अरे झुक जावे चरणासीस, मेवाड़ी रजधर सीस सांसा रे जावे रुकी रे पाथल राखी रे। अरे मेवाड़ धरा की आन राखी मायड़री शान, अरे केसरिया पगड़ी नाही झुकी। हालांकि बद्री जी इशारा कर रहे हैं मुझे पता है, अगर आपने एक एक घंटे एक एक कवियों को सुना है तो 5 मिनट मुझे और सुनना पड़ेगा। एक गीत में चेतक का और सुनाना चाहूंगा जिस समय चेतक घायल हो जाता है, क्योंकि जो पुरातन जो पुराना अपना इतिहास जो पीढ़ियां याद नहीं रखती है वो खत्म हो जाया करती है। अच्छी कविताओं को सुनना भी जरूरी है। आपने वो सीन देखा होगा, शक्ति सिंह खड़ा है, महाराणा प्रताप खड़े हैं और चेतक घायल अवस्था में पड़ा है, तो कुछ पंक्तियां मैं चाहूंगा कि महाराणा प्रताप ने उस समय क्या कहा होगा। अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, शायद ऐसा पहला गीत है। लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा पहला गीत लिखा है, लेकिन मैं भी दावा करता हूं बद्री जी कि ऐसा पहला गीत जो शायद आज तक आपने नहीं सुना है, वो पहले गीत की कुछ पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। महाराणा प्रताप के मन में क्या विचार आया सब, आप तैयार हो तो मुझे तालियों से एक बार फिर आदेशित करें। स्वागत चेतक के लिए। कि मारा चेतक घोड़ा अरे झावणरी बेड़ा मुंडे बोल, ओ मारा चेतक घोड़ा झावणरी बेड़ा मुंडे बोल, थारे तो भरोसे चेतक अकबर सुटक कर ली दी, थारे तो भरोसे चेतक अकबर सुटक कर ली नी, रण में लड़ बारी बेड़ा पूठ पाची कोनी दीदी, रण में लड़ बारी बेड़ा पूठ पाची कोनी दीदी, रण में मचा तो रम छोड़ रे मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेड़ा मुंडे बोल, ओ मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेड़ा मुंडे बोल, मेवाड़ी किलो ऊंचो अकबर सू डरियो कोनी, मेवाड़ी किलो ऊंचो अकबर सू डरियो कोनी, आफत सहली नी पण में माने लजाई कोनी, आफत सहली नी पण में माने लजाई कोनी, दुख में जीवन ने मती छोड़, अरे दुख में जीवन ने मती छोड़,
कुमार चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल। सुबह का सीन याद दिलाया साहब। शक्ति री भावज चेतक आज थारी पूजा कीनी, शक्ति री भावज चेतक आज थारी पूजा कीनी, वा बेल्या ने याद करो जद वा थाने सीख दीनी। अरे काई तो कहूं लाविने बोल रे मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे वो, उमारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे वो। आपका आशीर्वाद मिला। कि मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल। मैंने अभी कहा था कि चेतक केवल घोड़ा नहीं था, महाराणा प्रताप का बेस्ट फ्रेंड था। कैसे? कुण तो प्रभाती बेल्या माने चेतक याद करसी, कुण तो प्रभाती बेल्या। ये मेरे लिए नहीं है साहब, ये महाराणा प्रताप के लिए है, ये चेतक के लिए है, ये उस मिट्टी के लिए है जिन्होंने मिट्टी के आन बान और शान के लिए मेवाड़ के महलों को छोड़ दिया, 56 भोग को छोड़ दिया, चांदी के सोने थाली छोड़ दिए साहब। वो क्या लोग रहे होंगे साहब, और वो क्या घोड़ा रहा होगा साहब। कुण तो प्रभाती बेल्या माने चेतक याद करसी, कुण तो प्रभाती बेल्या माने चेतक याद करसी, हाथा ने सहलासी कूणी, कूणी मारा लाड करसी, हाथा ने सहलासी कूणी, कूणी मारा लाड करसी। अरे कूणी तो जावे लारण में दौड़ रे मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल, उमारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल। एक पछतावा, एक पछतावा महाराणा प्रताप के मन में उस समय था। दुश्मन पाछे खड़िया है द्रोही शक्ति है लारे, दुश्मन पाछे खड़िया है द्रोही शक्ति है लारे, मेवाड़ी मान गटायो दुश्मन रे लाग्यो लारे, मेवाड़ी मान गटायो दुश्मन रे लाग्यो लारे, इतिहास पढ़े ला अठे मोड़। अरे इतिहास पढ़े ला अठे मोड़ रे मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल, उमारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल। और जब महाराणा प्रताप को लग गया साहब कि चेतक बचने में नहीं है, तो उनके मन से क्या दुआएं निकली होगी साहब। ये कवि की कल्पना हो सकती है, लेकिन अगर चेतक के प्रति महाराणा प्रताप का जो भाव रहा होगा, मुझे लगता है इन पंक्तियों से ज्यादा और ज्यादा स्पष्ट हो नहीं पाएगा। क्या कहा होगा उन्होंने कि जाओ मारा प्यारा चेतक देवारी नगरी जाजो, जाओ मारा प्यारा चेतक देवारी नगरी जाजो, पाओ जसमान जग में पण माने मत बिसराजो, पाओ जसमान जग में पण माने मत बिसराजो, एक लिंग सुअर जी कर जोड़ रे मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल, ओ मारा चेतक घोड़ा जावणरी बेल्या मुंडे बोल। गीत खत्म होता है, ताली हो जाए। ये भाई साहब माला पहना के गए थे, चार लाइनें और सुना देता हूं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। ये मेरे जो कान में कह के गए थे, तेजा जी के लिए मैंने जो लिखा है, इन्होंने कहा कि चार लाइनें आप तेजा जी की सुना दें, तो मैं इनकी आज्ञा का पालन करता हूं। नाम तो मुझे ध्यान नहीं आया, सफेद ड्रेस वाले भाई साहब नरपत सिंह जी साहब। तो मैं चार लाइनें साहब, क्योंकि उनसे बड़ा गोपक्त कोई हो नहीं सकता साहब।
और अभी दो जाट कवि इसमें थे, एक तो विनीत चौहान साहब थे और एक मैं। इतने भोले होते हैं साहब, इतने भोले होते हैं, गाया गुजरी की और लेने कौन गया? जाट। जाट, अब इससे भोला कौन हो सकता था? क्यों गुजर उस बस्ती में नहीं रहे होंगे भाई, गुजर नहीं रहे होंगे उस बस्ती में, लेकिन नहीं गए साहब। और गए भी कब? जब तेजाजी ससुराल गए अपनी पत्नी को लेने। अब पत्नी को तो नहीं लाए, यानी पत्नी से भी ज्यादा किसको महत्व दिया? गायों को। और आप और हम क्या ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि गौ रक्षा के लिए तेजाजी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, इसीलिए हम उनको याद करते हैं। दो चार पंक्तियां सुना देता हूं, गीत बहुत बड़ा है क्योंकि मेरे गीत सारे बड़े हैं। मुकुट जी देश के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं। मैं तो इनके सामने बैठ के सुनता था, लेकिन कुछ जो सीख पाया वो कुछ लिखने का प्रयास किया है, आपका आशीर्वाद मुझे मिला, तो मैं चार पंक्तियां तेजाजी महाराज की सुना देता हूं साहब। दूधाराम जी, है ना, आपने भी कहा था कि धोलिया घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, ओ सगड़ा हिल मिल तेजाजी ने नमन करा, ओ धोलिया घरी अवतारी तेजाजी सिमरा, ओ सगड़ा रे हिल मिल तेजाजी ने नमन करा। गीत बहुत बड़ा है लेकिन वहीं से शुरू करता हूं साहब कि जासा सरिये पहुंच रेण विश्राम करे, आई गुजरी दौड़ कुंवर सु अर्ज करे, आई गुजरी दौड़ कुंवर सु अर्ज करे, अरे गाया ले गया चोर कि अब मैं काई करा, अरे धोलिया घर अवतारी तेजाजी सिमरा। तेजाजी ने क्या जवाब दिया? मन में धीरज राख गुजरी मत रोवे, मन में धीरज राख गुजरी मत रोवे, तेजल होता यूं हिम्मत किणरी होवे, अरे तेजल होता यूं हिम्मत किणरी होवे। और लीलण को कहा कि लीलण थारे पाण आजरण कूच करा, महाराणा प्रताप के जैसे चेतक था वैसे ही तेजाजी की कौन थी? लीलण। कि लीलण थारे पाण आजरण कूच करा, थोड़ा घर अवतारी तेजाजी सिमरा, उस सगड़ा रे हिल मिल तेजाजी ने नमन करा। और तेजाजी घायल हो गए साहब, और बासक की उस बांबी पे पहुंच जाते हैं, और तेजाजी ने कहा कि मैंने अपना प्राण पूरा किया, तू अपना